हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप SBI का ATM कार्ड का फॉर्म अपने हाथों से स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपके पास में क्या होना चाहिए, एक ब्लैक पेन होना चाहिए और जो भी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे दोस्तों वो कैपिटल लेटर में फ़िलअप करेंगे, ठीक है। ब्लैक पेन होना चाहिए और जो फिल करेंगे वो कैपिटल लेटर में फ़िल करेंगे। जब आप अपना ब्रांच जाएंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दे दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अब इस फॉर्म को दोस्तों आपको ईज़िली भर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों वो लोग अगर चाहें तो आपको हाथों हाथ डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड दे सकते हैं, अन्यथा बाय पोस्ट भी आपके घर में ATM कार्ड आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम, ठीक है। तो पासबुक के अंदर जो आपका नाम होगा दोस्तों, वही नाम को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर देना है। ध्यान रहे साथियों, जैसे कि आपका नाम जो है वो राजेश कुमार है तो कैपिटल R लिखिएगा, RAJESH, उसके बाद एक बॉक्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। पहला नेम लिखने के बाद एक बॉक्स आपको छोड़ देना है, उसके बाद लास्ट नेम लिख देना है। कुमार होगा तो कुमार या फिर जो भी आपका लास्ट नेम होगा दोस्तों उस लास्ट नेम को डाल देना है, लेकिन एक बॉक्स छोड़ने के बाद, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया गया है RAVI रवि, एक बॉक्स छोड़ा गया है, उसके बाद कुमार लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस लिखा गया है, तो एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस में आपको अपना एड्रेस डालना है। अब एड्रेस भी आपको कैसे डालना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको विलेज लिखना है, ठीक है, VILL, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दें, विलेज का नाम लिख दें, उसके बाद दोस्तों अपना पोस्ट ऑफिस यानी PO डाल दीजिएगा, एक बॉक्स छोड़ देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन PS, एक बॉक्स छोड़ देना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है, फिर से एक बॉक्स छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, DIST, एक बॉक्स छोड़ के डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स फिर से छोड़ देना है, स्टेट लिखना है और स्टेट जो भी स्टेट होगा दोस्तों आप अपना स्टेट का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टाउन या सिटी लिखा हुआ है, तो आप जिस भी शहर में रहते होंगे उस शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना राज्य का नाम लिखना है। टेलीफोन लिखा है तो भाई टेलीफोन नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। पिन कोड पूछा गया है तो आपका जो भी 6 डिजिट का पिन कोड होगा दोस्तों उस पिन कोड को आपको यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए बोला गया है माई डिजिग्नेटेड अकाउंट्स ऑन विच आई रिक्वायर ATM सर्विस, प्राइमरी अकाउंट, सेविंग और करेंट। तो दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा, यदि करेंट अकाउंट होगा तो करेंट वाले चेकबॉक्स में, हालांकि दोस्तों मैक्सिमम केस में सेविंग अकाउंट ही होता है, तो भाई सेविंग अकाउंट में आपको टिक कर देना है, इस वाले चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है। यहाँ पे ब्रांच लिखा गया दोस्तों, तो ब्रांच जो भी है आपका ब्रांच का नाम लिख ले, पासबुक में आपका होगा और वो भी नहीं पता दोस्तों, तो आप अपना ब्रांच के जो मैनेजर होंगे या फिर जो वहाँ पे स्टाफ होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि ब्रांच कौन सा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर लिखा गया है, तो आप अपना अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल दें, ये भी आपका पासबुक के अंदर मेंशन होगा दोस्तों। यहाँ पे करंट अकाउंट नंबर लिखा है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, ठीक है। तो घोषणा के अंदर डेट डाल देना है जिस डेट को इस फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस फॉर्म को भर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे देखिए, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपको ये ऑफिस के यूज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप सिंपली सिग्नेचर कर दें दोस्तों, उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दें। चाहे तो दोस्तों उनके पास में अगर रुपये डेबिट कार्ड होगा तो वो हाथों हाथ भी दे सकते हैं, अन्यथा यदि उनके पास में मास्टर कार्ड होगा या फिर वीज़ा कार्ड होगा तो ऐसी स्थिति में उनको वो बाय पोस्ट आपके घर पे भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।